XMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज़। क्या कहना है सर? नहीं, हमने खाने की पूरी व्यवस्था की हुई है और अभी मैं तो इनफेक्ट आया था यहाँ पे। हमने आसपास के स्कूलों को भी नाइट सेंटर में बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो लोग यहाँ आ गए हैं हम नहीं चाहते कि वो इधर उधर रुकें। अगर ये नाइट सेंटर में भी रुकना चाहते हैं तो हम नाइट सेंटर में भी रुकेंगे, लेकिन फिर भी हम ग्रेटफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड आर। मनीष जी, क्या दिल्ली सरकार भी बसों का प्रबंध कर रही है? अगर दिल्ली सरकार को जरूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार भी बसें दे रही है, डीटीसी की बसें भी लगी हैं, क्योंकि इन लोगों से बात हुई थी। इमोशनली ये लोग चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाएं, वैसे में लेकिन फोर्स करके किसी को नहीं रहेगा, पर फिर भी हमारा सबको उद्देश्य ये है कि आप घरों पे रखिए। दिल्ली के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, इसके बाद बिल्कुल घर से ना निकलें। घर से निकलने का मतलब है आपको रास्ते में कहीं रहना पड़ेगा, रास्ते में अपना घर छोड़ के ना निकले। जहां है, अगर आपके पास घर है, घर में रहें, झुग्गी है झुग्गी में रहें, नहीं तो नाइट सेंटर में रहें। सरकार खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है, दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को खाना खिलाने की स्थिति में है, कोई दिक्कत की नहीं। पहले भी जो वादे किए गए उसके बावजूद नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन में ये तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही रहेगा।